हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपन किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी। सेव टमाटर की सब्जी हम सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन घर में बनाने से उसका वो फ्लेवर, वो टेक्सचर नहीं आ पाता। तो उसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। इसे बनाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम फटाफट से सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 लहसुन की कली ली है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, जिसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 कटोरी सेब की नमकीन, हम यहाँ पर मोटा वाला सेब यूज कर रहे हैं। 2 से 3 टमाटर, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 प्याज, इसे मैंने काट लिया है। ध्यान रहे, आप जब भी सेब टमाटर की सब्जी बनाएं आपको ये मोटा वाला सेब ही यूज करना है, क्योंकि अगर आप इसमें पतला वाला सेब डालेंगे तो वो सब्जी में डालते से ही घुल जाएगा। और मैंने यहाँ पर मार्केट वाला सेब लिया है, आप चाहें तो घर वाला भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है। तो सेब टमाटर की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कढ़ाई गर्म होने रखी है और उसमें हम डाल रहे हैं घी। घी से जो सब्जी की खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है, इसलिए आप इसे एक बार घी में जरूर ट्राई करें। तो हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल रहे हैं। घी को अच्छे से गर्म होने दें। गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/2 छोटी चम्मच राई। राई और जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पर, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पर करते हैं तो आपका जो लहसुन है उसका फ्लेवर अच्छे से नहीं आएगा और वो जल जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक। अदरक को भी आप एक बार भून लें। अदरक को हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे और ये सब्जी हम 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप ये जो क्वांटिटी है अगर ज्यादा लोगों के लिए बनाए तो थोड़ा सा ज्यादा कर लें। मैंने यहाँ पर जो अदरक है वो ग्रेट करके डाला है, आप चाहें तो उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी डाल सकते हैं। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ टमाटर। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर टमाटर को हाथ से छोटा छोटा काट कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। टमाटर को हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डालें, अदरवाइज आप लाल मिर्च थोड़ी सी और डाल दें। मसालों को एक बार अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। नमक डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने से जो सब्जी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। आप यहाँ पर चाहें तो ताजा गरम मसाला कूटकर भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके लिए आपको लौंग, काली मिर्च, दालचीनी लेना है और उसको हल्का सा रोस्ट करके कूट के आप इसमें डाल दें। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच ताजा दही। ध्यान रहे, आपको दही बिल्कुल ताजा डालना है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर बहुत सारे डाले हैं, तो अगर आपका दही थोड़ा भी खट्टा होगा तो जो सब्जी है वो बहुत खट्टी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप टमाटर इसमें थोड़े से ज्यादा डाल रहे हैं तो आप दही को स्किप कर सकते हैं। दही डालने के बाद इसे आप एक बार अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि हम सब्जी को ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ी रखेंगे और ना ही बहुत ज्यादा पतली, लेकिन पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉईल होने देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी सब्जी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सेब। तो ध्यान रखें, आप जब भी सेब डालें दूसरे हाथ से आप इसे मिक्स करते जाएं, जितने सेब की इसमें जरूरत लगे उतना ही डालें, क्योंकि बाद में भी
ये सब्जी बहुत गाढ़ी हो जाती है क्योंकि सेव इसमें पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेव को हमें ग्रेवी में बिल्कुल सर्व करते टाइम डालना है, नहीं तो ये घुल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सब्जी की कंसिस्टेंसी कैसी रखी है। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ इसमें, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं अदरवाइज ना लगाएं। उसके लिए सब्जी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ एक पैन लिया है और उसमें डाला है 1 से 1.5 चम्मच घी। आप चाहें तो यहाँ पर घी की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा को हम अच्छे से रोस्ट होने देंगे और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्च। आप यहाँ पर 1 से 2 लाल मिर्च डाल दें और उसे भी एक बार अच्छे से भून लें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और गैस बंद करें। ऊपर से तड़का डाल दें, सर्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।